तो additions and subtractions को कैसे quickly complete कर सकते हैं ये सीखने के बाद चलिए अब discuss करते हैं multiplications के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया multiplication एक बहुत ही important arithmetic operation है और इसके कई reasons हैं। एक तो ये कि अगर हम multiplications बहुत strongly कर सके quickly and easily कर पाएं then additions, subtractions, division ये सारे calculations भी easy हो जाएंगे right? क्योंकि multiplications में हम additions भी use करते हैं subtractions भी use करते हैं right? जब हम techniques discuss करेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे ये useful होगा additions and subtractions में right? And more importantly अगर आप percentages के calculations देखें ये multiplications ही होते हैं right? Percentage में क्या करना होता है x percent of y so x into y by 100 अब so by 100 तो कोई calculation ही नहीं x into y आप कितना जल्दी कर सकते हैं ये important है so basically अगर देखें percentage भी multiplication जैसा ही है and किसी भी competitive exam में अगर आप देखें जितने भी हम calculations करते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा calculations multiplications पर ही based होते हैं तो इसीलिए बहुत important है कि हम multiplications को quickly कर पाएं right ऐसा नहीं है कि additions subtractions divisions को हम easy ले सकते हैं उन्हें भी हमें बहुत easily and quickly करना होगा लेकिन multiplications सबसे important part है right and multiplications के कई techniques हैं right इनमें ज़्यादातर techniques कुछ special cases में applicable होंगी तो इन सभी techniques को हम discuss करेंगे ताकि right point पर आप right technique apply करके इसे easily complete कर सके तो start करते हैं सबसे basic and सबसे important technique से जो है split and merge अब split and merge को हमने additions and subtractions में भी use किया था तो इसी से start करेंगे multiplications को भी right जैसे मैंने पहले भी बताया था split and merge हर arithmetic operation में use की जा सकती है right additions and subtractions में हम देख ही चुके हैं multiplications में अब हम discuss करेंगे and then देखेंगे कि divisions percentages इन सभी calculations को भी हम कैसे split and merge use करके complete कर सकते हैं right split and merge जैसे हमने discuss किया था तोड़ो and then जोड़ो पहले हमें numbers को तोड़ना है conveniently right जो कि comfortable हो then individual calculations करके उन्हें हम जोड़ेंगे ताकि overall calculation easily किया जा सके alright and एक सबसे बड़ा advantage split and merge का ये है कि ये हर किसी operation में तो applicable है ही लेकिन हर type के number पर भी applicable होगा generally multiplications की कई techniques होंगी जो सिर्फ special cases में applicable होती हैं जैसे कि एक technique हम discuss करेंगे जो कि सिर्फ किसी number को 5 से multiply करने में useful है या फिर किसी number को सिर्फ 25 से multiply करने में useful होती है right वैसे फिर कई techniques हैं जो numbers अगर 100 से क्लोज हो तभी हम अप्लाई कर सकते हैं राइट कुछ टेक्निक्स हैं जो कि 11 से 20 के बीच में अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तभी यूजफुल होंगी लेकिन स्प्लिट एंड मर्ज हर किसी मल्टीप्लिकेशन में एंड हर किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन में अप्लाई किया जा सकता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को हमें केयरफुली अंडरस्टैंड करना है क्योंकि हर जगह एप्लीकेबल है तो स्टार्ट करते हैं स्प्लिट एंड मर्ज से एग्जांपल ले लेते हैं राइट बेसिक एग्जांपल जैसे मान ले आपको 16 को 22 से मल्टीप्लाई करना राइट 16 × 22 या फिर 16 × 23 इक्वल्स टू व्हाट राइट हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है अब किसी भी जनरल केस में क्या किया जाएगा राइट सी जैसे मैंने पहले बताया हमारा आइडिया ये है कि हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस पर फोकस नहीं करना है राइट जैसे अगर मान ले क्वेश्चन में पूछा जाए कि 48794 × 3688.4 = what अब ये काफी कॉम्प्लेक्स सा है और अगर एक्चुअली परफॉर्म करना है देन हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हुए पेपर वर्क करके इसे कंप्लीट करेंगे लेकिन प्रॉब्लम कहां पर होती है प्रॉब्लम होती है इन सिंपल कैलकुलेशंस में अगर देखा जाए कई स्टूडेंट्स या फिर कह सकता हूं ज्यादातर स्टूडेंट्स इन्हीं कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर जाते हैं मिस्टेक्स कैसी टाइम वेस्ट करने वाली मिस्टेक राइट इन्हें पेपर पर करके अननेसेसरली इन्हें कॉम्प्लेक्स कर लेंगे 16 × 23 डिफिकल्ट नहीं है इसे हम मेंटली भी कर सकते हैं बहुत इजीली कर सकते हैं 2 to 3 seconds में इसे कंप्लीट कर पाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है राइट जनरली स्टूडेंट्स क्या करेंगे 16 × 23 सो 16 × 23 देन मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करेंगे राइट क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जो कि जरूरत नहीं है लिखने की राइट ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है एनीवे 3 × 6 = 18 3 × 1 = 3 + 1 = 4 देन एक और मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करेंगे देन 2 × 6 = 12 राइट 1 इज कैरी फॉरवर्ड 2 × 1 = 2 + 1 = 3 and then one line draw करना पड़ेगा, right? Then 8, 4 + 2 = 6 and then 3 and फिर एक और line draw करेंगे and answer होगा 368, 16 × 23 = 368 no doubt answer correct है, no doubt method भी correct है, लेकिन क्या हम ये competitive exam में कर सकते हैं? नहीं, हमने additions and subtractions में भी discuss किया था कि problem ये है कि इन methods में
मिस्टेक कुछ नहीं है, राइट, करेक्ट मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, यही हम फॉलो करते आए हैं स्कूल डेज से, लेकिन काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, राइट। हमें पहले तो नंबर्स को लिखना होगा 16 and 23, जब तक आप 16 and 23 लिखेंगे 1 to 2 seconds आपको टाइम स्पेंड करना होगा, देन फिर मल्टीप्लीकेशन साइन ड्रॉ की जाएगी, जो कि कई स्टूडेंट्स नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर करें तो हाफ ए सेकेंड वेस्ट हो जाता है, राइट। देन लाइन्स ड्रॉ करेंगे, यहां पर एक मल्टीप्लीकेशन साइन यूज करेंगे, सो अननेसेसरली विदाउट नोइंग हम काफी टाइम इसमें वेस्ट कर जाते हैं, एंड अदरवाइज भी ये प्रेफर्ड मेथड नहीं है, राइट। मेथड बिल्कुल करेक्ट है, आंसर भी करेक्ट है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया जा सकता है, तो आपको इसी को अवॉइड करना है, राइट, इसी को अवॉइड करना है, इन्हीं टाइप के सिंपल कैलकुलेशंस को हमें सिंपल रखना है। अब हम इन्हें कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, पेपर पर करके आपने इसे कॉम्प्लेक्स बनाया, लेकिन कैसे इसे हम सिंपल मेंटेन करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं, क्या करेंगे, स्प्लिट एंड मर्ज। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि हमें नंबर्स को ब्रेक करना है, नंबर्स को ब्रेक करेंगे पहले तोड़ेंगे, अब कैसे तोड़ना है ये डिपेंड करता है कि कैसे नंबर्स दिए गए हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। जैसे हमने एडिशन एंड सबट्रैक्शन में भी डिस्कस किया था, जैसे मान ले नंबर 17 हो, अब 17 को तोड़ने के इनफाइनाइट मेथड से 17 को हम 20-3 ले सकते हैं, 16+1 ले सकते हैं, 15+2 ले सकते हैं, 10+7 ले सकते हैं, या फिर शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें 25-8 लेना सबसे इजी साबित हो सकता है, राइट। सो डिपेंड करता है कि कैसे नंबर्स दिए गए हैं, डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, राइट। शायद मेरे लिए 17 को 20-3 लेना इजी लगे, लेकिन आपको 15+2 इजी लग सकता है, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वही करना है। सी स्पीड मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आपको यू नो कैलकुलेशंस बहुत क्विकली करने हैं, क्विकली ऑटोमेटिकली होने चाहिए, और कैसे होंगे ऑटोमेटिकली, जब आप कंफर्टेबल हो, राइट। कोई भी एक्टिविटी अगर हम कंफर्टेबली करें, अगर हम उसमें कंफर्टेबल हो, देन इजीली कर पाएंगे, राइट, इजीली हो जाएगा एंड बहुत क्विकली भी कर पाएंगे। तो बेसिक आइडिया यही है कि आपको कंफर्टेबल होना है नंबर्स को इन्वॉल्व करने में, राइट, और आप किस तरह से नंबर्स को देखते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे कि इसे हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं बिना पेपर वर्क के। ऑफकोर्स एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे पेपर पर स्टेप्स लिखने होंगे, लेकिन अदरवाइज जब हम एक्चुअली परफॉर्म करें देन मेंटली करना है। सो 16 into 23, राइट, इसे काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन कुछ और एग्जांपल्स देंगे मेंटली कैलकुलेट करने के लिए। सो 16 into 23, अब जैसे मैंने डिस्कस किया स्प्लिट एंड मर्ज, पहले स्प्लिट करते हैं, अब किस नंबर को स्प्लिट करना है इसका कोई रूल नहीं है कि 16 को ही स्प्लिट करना है या फिर 23 को ही स्प्लिट करना है, डिपेंड करता है आपको क्या कन्वीनियंट लगता है यहां पर, राइट। 23 को स्प्लिट कर लेते हैं, राइट, 23 को हम 20+3 लेंगे। सी बेसिकली अगर देखा जाए आइडिया क्या है यहां पर, जब भी हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, जैसे मान ले हमें 4 into 3 करना हो, राइट, 4 into 3 = 12, हम सभी इस रिजल्ट को जानते हैं, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, 4 into 3 का मतलब क्या होता है, जो नंबर 4 है इसे हमें 3 times लेना है, सो 4+4 = 8+4 = 12, सो 4 into 3 = 12 हो जाएगा। या फिर अगर आप दूसरे एंगल से देखें, 4 into 3 को हम 3 into 4 भी ले सकते हैं, यानी जो नंबर 3 है इसे हमें 4 times कलेक्ट करना है, 3+3 = 6+3 = 9+3 = 12। सो 4 into 3, 3 into 4, 12 के पीछे रीजन ये है कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर को नंबर ऑफ टाइम्स कलेक्ट किया जा रहा है, राइट। ए इंटू बी अगर आप देखें, क्या मीनिंग है यहां पर, ए को हमें बी टाइम्स कलेक्ट करना है या फिर बी को ए टाइम्स कलेक्ट करना है, सो दैट प्रोडक्ट ए भी हमें आ जाए, राइट, हम कैलकुलेट कर सके। बस इसी कॉन्सेप्ट को, इसी अप्रोच को हम यहां पर भी फॉलो करेंगे। 16 into 23 का मतलब क्या है, 16 into 23 यानी 16 को हमें 23 times कलेक्ट करना होगा। अब अगर आप 23 times कलेक्ट करें डायरेक्टली, देन ये डिफिकल्ट साबित होगा, राइट। प्रॉब्लम यही है कि अगर हम 23 को 23 ही लेते हैं देन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपका अप्रोच आपको चेंज करना होगा, राइट। 23 नहीं है, 23 को हम 20+3 ले सकते हैं या फिर 25-2 ले सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, राइट। सो एग्जाम्पल के लिए 23 को 20+3 लेते हैं, क्या होगा, 16 into 23, ये हो जाएगा 16 into 20+3। ध्यान रहे ये सिर्फ आपको पेपर पर नहीं लिखना है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए इन्हें यहां पर लिखा जा रहा है, राइट। तो 16 into 23 को हमने 20+3 में स्प्लिट किया, अब 20+3 ले सकते हैं, 25-2 ले सकते हैं, 17+6 ले सकते हैं, 16+7 ले सकते हैं, 15+8 ले सकते हैं, चाहे जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, राइट। अब अगर इसे एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, 16 को हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है एंड 16 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 16 into 20+16 into 3। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा मेथड है, एक सिंगल जो कैलकुलेशन था उसको हमने 2 calculations बना लिए, तो इसमें तो टाइम ज्यादा लगना है, राइट। जब आप मल्टीपल कैलकुलेशंस करेंगे तो ऑफकोर्स टाइम ज्यादा स्पेंड करना होगा,
लेकिन अगर आप ध्यान दें, जो दो कैलकुलेशन हम यहां पर करने जा रहे हैं ये बहुत ही ईजी है. 16 into 23 से काफी इजी है, राइट? हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है. एंड इंटू 20 का मतलब क्या होता है? इंटू 20 यानी इंटू 2 इंटू 10. बेसिकली अगर आप इंटू 2 रिजल्ट जानते हो तो उसी को इंटू 20 में कन्वर्ट किया जा सकता है. एंड देन 16 into 3. तो दोनों बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है अगर हम 16 into 23 से कंपेयर करें, राइट? जैसे हमने यू नो एडिशन एंड सबट्रैक्शन में भी डिस्कस किया था, 29 ऐड करना डिफिकल्ट है लेकिन 100 ऐड करके 1 सबट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाता है. बस उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, राइट? स्प्लिट एंड मर्ज. तो 16 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये स्प्लिट हो गया. इंडिविजुअल कैलकुलेशंस कर लेते हैं, क्या होगा? 16 into 2. अब 16 into 2 32, ये सब आप जानते हैं, राइट? आपको बेसिक कैलकुलेशंस तो पता ही है. 16 into 2, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट नहीं होगा. 16 into 2 32. अब अगर इंटू 2 32 हो तो इंटू 23 20 हो जाएगा. So, ये हो गया 320 प्लस एज इट इज, राइट? बॉड मास रूल आपको अप्लाई करना है, राइट? ऐसा नहीं कि आपने पहले नंबर्स ऐड कर लिए यहां पर, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, राइट? पहले हमेशा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एडिशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन करेंगे, फिर करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट? देन 16 into 3. अब 16 into 3 कितना होता है? 16 into 3 40. सी ये बहुत सिंपल है. 16 into 3, ये सारे कैलकुलेशन ईजी होते हैं. 16 into 3 into 2 into 4 into 1, ये सभी बहुत ईजी होंगे. 16 into 3. अब अगर आपको ये भी डिफिकल्ट लग रहा हो या फिर आप इसे अगर पेपर पर करना चाहते हैं, देन तो आपको काफी प्रैक्टिस करनी होगी, राइट? सी 16 into 3 अगर आप ना भी कर पाए तो इसे भी स्प्लिट कर दें. 16 नहीं है, 16 तो 10+6 होता है, राइट? अगर आप एक तरह से देखें 16 को हम 10+6 ले सकते हैं. सो 16 को 3 टाइम्स कलेक्ट करना है. 16 को 3 टाइम्स कलेक्ट नहीं करेंगे, 10 को 3 टाइम्स लेंगे, फिर 6 को 3 टाइम्स लेंगे एंड इन दोनों को क्लब करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे. सो 10 into 3 30, 16 into 3 18. अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि 10 इंटू 3 मुझे नहीं आता है या 16 इंटू 3 नहीं आता है, राइट? सो 30+18 48, राइट? अदरवाइज भी 16 इंटू 3 48 आप जानते हैं. तो ये हो गया 48. सो स्प्लिट का एक्शन हो गया था, राइट? तोड़ना हमने कर लिया प्रॉपरली, इंडिविजुअल कैलकुलेशंस कर लिए प्रॉपरली. अब हमें जोड़ना होगा 320+48. कैसे करेंगे? एडिशन हमने डिस्कस किए हैं, राइट? पहले 100 ऐड करें, फिर 10 ऐड करें, फिर 1 ऐड करें, राइट? या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो तो यू नो 10s एंड 1s को एक साथ भी ले सकते हैं. जैसे 20+48 68 होगा, 300+68 368, जो कि एक्जैक्टली सेम है अगर आप कंपेयर करें रेगुलर मेथड से. अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे स्टेप्स कौन करेगा? आपको याद दिला दूं, ये स्टेप्स हमें पेपर पर नहीं लिखने हैं, ये सिर्फ हम विजुलाइज करेंगे. यहां पर डेफिनेटली आपको पेपर पर स्टेप्स लिखने होंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन हो. बिना नंबर्स लिखे, बिना इन लाइंस को ड्रॉ किए आप इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, राइट? एंड हमने ऑलरेडी देखा है वहां पर कि अननोइंगली बिना हमारे नॉलेज के काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट? पेपर पर जब आप करते हैं आपको ये लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी. शायद आपने इंटू ड्रॉ किया हो या नहीं किया हो, राइट? लेकिन ये लाइन डेफिनेटली आपको ड्रॉ करनी है. हैबिट बन चुकी है, राइट? थर्ड क्लास फोर्थ क्लास से हम वैसे करते आ रहे हैं. सो एक हैबिट बन चुकी है. हैबिट्स को अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली बैड हैबिट्स को. एक बहुत ही बैड हैबिट है. अब आप बोलेंगे कि इसमें कितना टाइम लगता है? हाफ ए सेकंड में हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में आपने 3 लाइंस ड्रॉ की, यानी 1.5 सेकंड्स आपने सिर्फ 3 लाइंस ड्रॉ करने में स्पेंड कर दी, जो कि यूजलेस है. एंड ऐसे कितने कैलकुलेशंस करेंगे हम एग्जाम में? मान लें 20 कैलकुलेशंस करते हैं. 1.5 into 20, 30 सेकंड्स आपने सिर्फ लाइंस ड्रॉ की है. 30 सेकंड्स को आप 2-3 मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ऐसे हम टाइम वेस्ट कर जाते हैं बिना हमारे नॉलेज के. तो उसी को हमें अवॉइड करना है. सी जितना हो सकता है करना है. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी कैलकुलेशंस हम यू नो मेंटली करेंगे या हवा में करेंगे. पेपर पर करना पड़ सकता है, राइट? कुछ टेक्निक ऐसी हैं जिन्हें हम पेपर पर ही अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल टेक्निक जो हम डिस्कस करेंगे. लेकिन जब अवॉइड कर सकते हैं तब क्यों इन्हें पेपर पर करें, राइट? तो यही पॉइंट है. कीप सिंपल थिंग्स सिंपल, कीप इट सिंपल. कॉम्प्लेक्स को हम कॉम्प्लेक्स ही मेंटेन करेंगे, लेकिन सिंपल को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, जो कि जनरली किया जाता है यू नो एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के. सो ये हो गया 368. और इन स्टेप्स को जैसे मैंने बताया आपको अवॉइड करना है. सो पहले तोड़े एंड देन फिर जोड़े. अब आप पूछेंगे कि 23 को 20+3 लेना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो आपको प्रैक्टिस करके पता चलेगा, राइट? जैसे मैंने बताया एडिशन में भी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएगा आपके लिए बेस्ट टेक्निक अप्लाई करना. 23 को 25-2 भी लिया जा सकता है. क्या होगा अगर इसे आप 25-2 लेंगे? 16 into 25-2. अब वैसे किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है, राइट? 25 देखने में बड़ा नंबर लगेगा लेकिन 25 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होगा.
अब कैसे नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। एक स्पेशल टेक्निक है कि नंबर्स को कैसे 5 या 25 से मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट। तो 16 × 25 होगा 400, उसी टेक्निक को अप्लाई करके हम कह सकते हैं ये है 400 एंड 1 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकेंगे, राइट। 400 माइनस 16 × 2 कितना होगा 32 माइनस 32, राइट। 400 माइनस 32 360 हो जाएगा। अगर आपको 38 सब्ट्रैक्ट करना डिफिकल्ट है, 400 से 32 सब्ट्रैक्ट करना, राइट, क्या रिजल्ट आएगा 400 माइनस 32। सो 400 से अगर आपको 32 सब्ट्रैक्ट करने में कुछ डिफिकल्टी हो रही है तो 32 को आप स्प्लिट कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कि स्प्लिट एंड मर्ज एप्लीकेबल है। 32 नहीं होता है, 32 को हम 30+2 ले सकते हैं। सो पहले 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 400 माइनस 30 370। सी क्यों हम पहले 30 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि राउंडेड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना इजी होता है, 32 को सब्ट्रैक्ट करने से बेटर है 30 सब्ट्रैक्ट करें। सो 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 400 माइनस 30 370, 2 और सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। हमने कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट की थी और 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 370 माइनस 2 360। सो चाहे आप जो भी कैलकुलेशन करें, जो भी मेथड अप्लाई करें, जो भी स्प्लिट करें, जिस भी नंबर को स्प्लिट करें, घूम फिर के आपको फाइनली इसी नंबर पर आना है 368। अब आप ये कितना क्विकली कर सकते हैं ये डिपेंड करेगा कि आपने इस पर कितनी प्रैक्टिस की है। जिसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि सिर्फ टेक्निक जान लेने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एंड सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, आपको और प्रैक्टिस करना होगा एंड थोड़ा और प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी आपके लिए हो जाएगा। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको राइट आइडिया, राइट टेक्निक, राइट टाइम पर क्लिक होनी चाहिए। एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा बैठकर डिसाइड करने के लिए कि 23 को 25 माइनस 2 लें या 20+3 लें या और कुछ लें, राइट। आपको नंबर्स देखते ही उन्हें अटैक करना है और सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में अटैक करना है। ऐसा करने के लिए आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड अ लिटिल मोर प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये है कॉन्सेप्ट स्प्लिट एंड मर्ज का। अब आप पूछ सकते हैं कि ठीक है 23 को 20+3 25 माइनस 2 ले सकते हैं, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि 23 को ही स्प्लिट करना है? कोई रूल नहीं है, राइट। सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि यहां पर रूल्स नहीं है। स्प्लिट एंड मर्ज हर कंडीशन में, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, अनलाइक बाकी जो टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो आप 16 को भी स्प्लिट कर सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे आपको वो करना है। अगर 16 को स्प्लिट करते हैं तब क्या होगा, राइट। सेम कैलकुलेशन लेते हैं, 16 को हम 10+6 ले सकते हैं या फिर 15+1 ले सकते हैं या फिर 10+5+1 ले सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको नंबर्स को सिर्फ 2 ही पार्ट्स में तोड़ना है, 3 पार्ट्स में भी तोड़ सकते हैं, राइट। जितने ज्यादा पार्ट्स होंगे उतने सिंपल कैलकुलेशन होंगे, नंबर ऑफ कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं यानी बहुत सिंपल कैलकुलेशन आपको करने हैं, तो बस इन्हीं पार्ट्स को आपको क्लब करना है मेंटेन। तो अगर आप देखें 16 × 23, 16 को हम यहां पर 10+5+1 ले लेते हैं, राइट। वर्स्ट केस आपने मैक्सिमम स्प्लिट वहां पर की है, सो 10+5+1 × 23। अब क्या होगा, 23 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 कैलकुलेशन आपको करने हैं। लेकिन देखा जाए तो इन 3 कैलकुलेशन में 2 कैलकुलेशन तो रेडीली अवेलेबल है, राइट, नो ब्रेनर है वो, उसमें आपको टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। 23 × 10 भला इसमें टाइम स्पेंड करेंगे नहीं, 23 × 10 तो मतलब आपके नेम जैसा है, राइट, आपको हमेशा पता होगा 23 × 10 = 230, 23 × 1 = 23। तो ये सारे है हमेशा, राइट। यही देखना है कि 23 को 5 से कैसे मल्टीप्लाई। अब 5 से मल्टीप्लाई करने की एक स्पेशल टेक्निक है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यही नहीं, अगर देखा जाए 23 × 5 उसी टेक्निक को अप्लाई करते हुए होगा 115, राइट। 23 × 5 = 115, आपको याद नहीं रखना है, बस उस टेक्निक को अप्लाई करना है, राइट। इंटू 5 बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होता है, जैसे मान ले 72 × 5 = 360, 48 × 5 = 240, बहुत ईजी होगा, डिस्कस करेंगे हम आगे, लेकिन अभी एक बार देख लेते हैं। 23 × 10 = 230, 23 × 5 = 115, 23 × 1 = 23। अब इन तीनों को ऐड करना होगा, राइट। सो 230 + 115, 230 + 115 कितना होगा 345, 345 + 23 हो जाएगा 368। जो भी आप करें फाइनल आपको यही आंसर आएगा 368। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या कन्वीनियंट लग रहा है, उसी को आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करते रहे, अलग अलग नंबर्स लेकर प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे स्प्लिट एंड मर्ज हम अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, लेकिन इस बार कोई स्टेप हम पेपर पर नहीं लिखेंगे, राइट, कोई स्टेप डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा, बस मेंटली आपको करने हैं, राइट। सो जैसे मान ले क्वेश्चन हो 27 × 19, अब इसे कैसे करेंगे,
देखने में शायद कॉम्प्लेक्स लगे, राइट? आपको 27 का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद नहीं रखना है और ना ही 19 का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रखना है। अगर मेरी माने तो आपको 10x10 अगर बताओ मल्टीप्लिकेशन, 10x10 तक अगर आपको बताओ तो बहुत है, बहुत ही सफिशियंट है। बस प्रैक्टिस करते रहें इन टू डिजिट नंबर्स को लेकर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन को लेकर। शायद आप लोग सोच भी रहे होंगे कि ये सब क्यों बता रहे हैं, राइट? 23x19 तो बहुत सिंपल है। हाँ, सिंपल है। कैसे सिंपल है? ऐसे करने पर सिंपल है, ऐसा किया जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के द्वारा। एंड यही है, इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं एग्जाम में, राइट? आपको लगेगा कि कितना टाइम सेव होगा, 2 सेकंड्स। यस, 2 सेकंड्स काफी होते हैं एग्जाम में, राइट? टाइम इज लाइक गोल्ड, आप जानते हैं, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू है। तो 27x19 क्या करेंगे, 19 नहीं है, 19 को अगर आप 19 ले तब तो गड़बड़ है, तब तो प्रॉब्लम होगी, राइट? जैसे मैंने बताया, तोड़े एंड जोड़े, 27 को भी ब्रेक कर सकते हैं, 19 को भी ब्रेक कर सकते हैं। इजी यही होगा कि 19 को आप ब्रेक करें। कैसे करेंगे? 19 को हम 20-1 ले सकते हैं, 20-1। सो बेसिकली आइडिया क्या है, 27 को 19 टाइम्स कलेक्ट करना है। हम 19 टाइम्स कलेक्ट नहीं करेंगे, पहले 20 टाइम्स लेंगे एंड फिर 1 टाइम रिटर्न कर देंगे। जैसे हमने यहां पर किया था 16x23, फर्स्ट केस में 23 को हमने 20+3 लिया, राइट? बेसिक आइडिया क्या है मल्टीप्लीकेशन का, ए को बी टाइम्स कलेक्ट करना है। तो 23 टाइम्स हमें कलेक्ट करना था, हमने 23 टाइम्स कलेक्ट नहीं किया, वो डिफिकल्ट था। पहले हमने 20 टाइम्स लिया एंड देन फिर 3 टाइम्स लिया। सो पहले 16 को 20 टाइम्स लेंगे, फिर 3 टाइम्स लेंगे एंड जो भी दो रिजल्ट्स आएंगे इन्हें जोड़ देंगे, इन्हें मर्ज कर देंगे। बस ऐसा ही कुछ हमें यहां पर भी करना है। डिफरेंस यही है कि माइनस साइन आएगी इस पर, राइट? जैसे 27x19 क्या करेंगे, 27 को 19 टाइम्स लेना है, 19 टाइम्स नहीं लेंगे, डिफिकल्ट होगा। 20 टाइम्स ले लेते हैं, राइट? 20 टाइम्स ले ले एंड देन फिर 1 टाइम रिटर्न कर दे। सी, आपको बैलेंस करना होगा, 19, 20-1 होता है, तो पहले 20 टाइम्स ले लेते हैं। 27 into 2 कितना होता है, 54। अब इंटू 2 अगर 54 हो तो इंटू 20 540 होगा। यस, 27 into 20 540 माइनस 27 into 1 हमें रिटर्न करना है। कितना रिटर्न करना है, 1 टाइम, 27 को 1 टाइम रिटर्न करना है। 27 into 1 रेडीली आपके पास अवेलेबल है, 27। So 540 minus 27 कितना होगा, अगेन addition जैसे मैंने बताया आप स्प्लिट करके कर सकते हैं, right? लेकिन 540 minus 27 easy है, 540 minus 27 हो जाएगा 530 and ये है इसका answer। देखा जाए तो 2 to 3 seconds में आप कंप्लीट कर, 2-3 seconds भी ज्यादा होंगे अगर मेरी माने तो। बस प्रैक्टिस करना होगा, इनिशियली आपको कुछ भी करे डिफिकल्ट लगेगा, राइट? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे डिफिकल्ट लगेगा, इसीलिए सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेने से कुछ नहीं होगा, कॉपी पेस्ट करें एंड देन प्रैक्टिस करें, राइट? जो लास्ट वाला स्टेप है प्रैक्टिस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 को हमने स्प्लिट किया, 27 को भी स्प्लिट कर सकते हैं, 27 को 25+2 लिया जा सकता है या फिर 30-3 लिया जा सकता है। 30-3 लेंगे तो क्या होगा, 19 को 27 टाइम्स लेना था, हम पहले 30 टाइम्स लेंगे एंड फिर 3 टाइम्स रिटर्न कर देंगे। अब 19 into 3 कितना होता है, 19 into 3 होता है 57, into 3 अगर 57 हो तो into 30 570, दोनों कैलकुलेशंस एक ही बार में हो जाएंगे, राइट? ये एक तीर दो निशान वाली बात होगी, राइट? 30 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 से ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट? 19 into 3 57, into 30 570, यानी 570 लेंगे 57 वापस देंगे, राइट? आपको बैलेंस करना होगा, 570 minus 57 सब्ट्रैक्ट ना करें, 60 कर ले, 570 minus 60 510। आपने 3 ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया है, आपको 3 ऐड करना होगा। So 570 minus 60 510 plus 3 530। सिमिलरली 25+2 ले सकते हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करें। बस आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाना है, 3, 4, 5 अलग अलग मेथड्स में आप सेम कैलकुलेशन को करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी हो जाएगा। और कुछ ले लेते हैं, राइट? जैसे मान ले हमें करना है 31 into 97। अब ये देखने में डिफिकल्ट लगेगा, राइट? नंबर एक बड़ा सा नंबर हमने लेना है, 97 देखकर ही यू नो कई स्टूडेंट घबरा जाते हैं। क्या करेंगे, इमीडिएटली 31 97 पेपर पर करना स्टार्ट करेंगे एंड यू नो बस उन्हें ऐसा लगता है कि यही है मेथड है, बस यही मेथड है मल्टीप्लिकेशन करने का। वहीं पर गलती हो रही है, राइट? जैसे मैंने बताया, शॉर्टकट फॉर्मूले के पीछे ना भागे, आपको एक ही चीज के पीछे भागना है, कैलकुलेशंस। अगर आप जितना अच्छा करेंगे उतना ज्यादा स्कोर कर सकेंगे। शॉर्टकट फॉर्मूले सारे हम एग्जाम की एक रात पहले बैठकर याद कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस एक दिन में इंप्रूव कर पाना डिफिकल्ट होगा। तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी, डेली आपको टाइम स्पेंड करना होगा एंड रिपीटेडली यही कहूंगा कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी हो जाएगा।
931 to 97 देखने में कॉम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन एडवांटेज ये है कि नंबर 97 वैसे तो बड़ा है लेकिन इसी का हमें फायदा उठाना है, राइट। 9700 से काफी क्लोज है, राइट। 97 वैसे तो बहुत बड़ा नंबर है लेकिन इसी का एडवांटेज हमें यूज करना है, इसी को हमें अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करना है, राइट। 97 को हम 100 माइनस 3 ले सकते हैं, यानी 31 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, 31 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 31 को 100 से मल्टीप्लाई करना कोई कैलकुलेशन नहीं माना जाएगा, राइट। 31 × 100 = 3100 माइनस 31 × 3 कितना होगा 93, हो गया कैलकुलेशन, स्प्लिट हो गया, इंडिविजुअल कैलकुलेशन हो गए। मर्ज करना है, मर्ज क्या होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, राइट। सो 97 को अगर आप 100 माइनस 3 लें तो ये बहुत इजी हो जाएगा, राइट। गेम आपके यू नो फेवर में टर्न हो जाती है। 97 को 97 लेते हैं तब तो डिफिकल्ट है, लेकिन 100 माइनस 3 कर लें गेम आपकी तरफ हो जाएगी, राइट। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो 31 × 100 एंड ये स्टेप्स लिखने नहीं है, राइट। रिपीटेडली कहूंगा ये स्टेप्स आपको पेपर पर नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ मेंटली करना है एंड ना ही आपको बोलना है। जब आप एक्सप्लेन करते हैं, जब आप रीड आउट करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर विद इन योर सेल्फ करें मेंटली देन बहुत ईजी हो जाएगा। सी थॉट यहां पर आता है, उसे वहीं पर यूज कर लें। अगर बाहर लाएंगे तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, राइट। इसे बाहर लाने में टाइम लगेगा, अगर आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो बस करते रहे, मेंटली करते रहे, राइट। सो 31 × 100 = 3100 31 × 3 कितना होगा, 31 × 3 = 93 एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट। 93 3100 माइनस 93 क्यों सप्लाई करते हैं, 100 सप्लाई कर ले, 3100 माइनस 100 3000, आपने 7 ज्यादा सप्लाई किया, आपको सप्लाई करना था 93, आपने कितना सप्लाई किया 100, यानी आपने 7 ज्यादा सप्लाई किया तो उसे बैलेंस करें। अब क्योंकि आपने ज्यादा सप्लाई किया उसे आपको ऐड करना होगा, प्लस 7 3000 + 7 3007 हो जाएगा आपका आंसर। इसी को आप पेपर पर करें 5-10 सेकंड्स आपको स्पेंड करने होंगे, राइट। उसमें से आधा टाइम तो हम सिर्फ नॉनसेंस करने में वेस्ट कर देंगे, राइट। नंबर्स लिखेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, इस इनटू साइन को यू नो यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मतलब है इस इनटू साइन का, मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान दें, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, राइट। सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपको कि इनटू साइन वहां पर लिखने का क्या मतलब है। आपने जब इसे थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड में किया तब ओके था, लेकिन अगर ऑब्जर्व किया जाए ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है। ऐसा तो है नहीं कि हम यू नो मल्टीप्लीकेशन करते करते बीच में भूल जाते हैं कि अरे हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन, फिर आप इस साइन को देखेंगे, अच्छा अच्छा मल्टीप्लीकेशन करना है एंड देन कंटिन्यू करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। आप मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस लिखकर भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस लिखकर भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर मान लिया आपने कोई स्माइली ड्रॉ कर ली एंड फिर आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, राइट, प्रेजेंटेशन है। तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने नीटली किया इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा दिया जाएगा, राइट। आप चाहे 1 सेकंड में करें या 100 सेकंड में, मार्क एक ही मिलेगा अगर आपको करेक्ट, आपका आंसर करेक्ट हो तो, अदरवाइज -0.25। तो क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, राइट, कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं। सिमिलरली इस लाइन का क्या मतलब है, लाइन क्यों हमने ड्रॉ की है यहां पर, सिर्फ इतना बताने के लिए कि ये ऊपर जो लिखे गए नंबर है ये है क्वेश्चन और जो नीचे हम करेंगे वो होगा सोल्यूशन। अब ये आपको किसको बताना है एग्जाम में, नहीं बिल्कुल नहीं, राइट। देन हम एक और मल्टीप्लीकेशन साइन ड्रॉ, कई स्टूडेंट्स हैं जो जीरो लिखते हैं, राइट। आइडिया ये है कि यूनिट स्पेस का मल्टीप्लीकेशन हो गया है, अब क्योंकि हम टेंथ प्लेस का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हमें डिस्प्लेस करना होगा, तो डिस्प्लेस आपने किया, लेकिन क्यों, आप बिना कुछ लिखे भी ऐड कर सकते हैं। 8 + nothing 8 होगा, 8 + into भी 8 होगा, 8 + 0 भी 8 होगा। सो देखिए कितना टाइम वेस्ट किया जा रहा है। फिर हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, आप बस यही बताना चाह रहे हैं कि हाँ रफ वर्क हो गया है, अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, देन अब ऐड करेंगे 8 6 3 368 एंड कैलकुलेशन यहां पर कंप्लीट नहीं होता है, ये फाइनल लाइन भी ड्रॉ की जाएगी। हैबिट बन चुकी है, राइट, शायद आपको फनी लगे लेकिन ये हैबिट बन चुकी है, राइट। फाइनल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्या लाइन है, लाइन ऑफ अचीवमेंट, यस आंसर आ गया 368। किसको दिखाना है ये सब, राइट, टाइम वेस्ट हो रहा है। अब शायद आप लोग कहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो इनटू साइन ड्रॉ नहीं करता हूं, राइट, मैंने कभी इनटू साइन ड्रॉ नहीं की, मैं बहुत स्मार्ट हूं, ये ठीक है आपने अवॉइड कर लिया, लेकिन क्या आपने ये अवॉइड किया, नहीं। शायद कई स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे हाँ हम ये लास्ट लाइन ड्रॉ नहीं करते, राइट, कई स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, एक यू नो हैबिट हो जाती है होगी, लेकिन ठीक है आपने ये लाइन ड्रॉ नहीं की, लेकिन क्या ये दो लाइन आपने मिस की, नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
राइट। सो इंपॉर्टेंट है इन सभी से बाहर निकलना, राइट। एंड सिंपल सिंपल पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखें एंड पर प्रैक्टिस करें एंड इन्हें प्रॉपरली अप्लाई करें एग्जाम में, देन आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा, राइट। सो स्प्लिट एंड मर्ज, राइट, और कुछ कैलकुलेशन नहीं, तो बस ऐसे ही आपको करना है, राइट। सो जैसे मान ले हमें मल्टीप्लाई करना हो, यू नो, और कई टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे, राइट। अभी नंबर्स यू नो केयरफुली मुझे चूज करने पड़ रहे हैं क्योंकि काफी टेक्निक्स हम डिस्कस नहीं किए। जैसे एक टेक्निक होती है नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई किया सकती है, नंबर को कैसे 25 से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 सेकंड में, 2 सेकंड्स में। तो जब वो सीख लेंगे तो और यू नो हायर एग्जाम्पल्स ले सकेंगे, हायर नंबर्स ले सकेंगे, लेकिन अभी थोड़ा लिमिटेशन होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया सभी केसेस में एप्लीकेबल है, स्प्लिट एंड मैच हर केस में एप्लीकेबल होगी, राइट। अब जैसे मान लिया हमें 26 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, 26 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, 32 नहीं है, 32 को हम 30+2 ले सकते हैं, सो 26 इंटू 30 प्लस 26 इंटू 2, 26 इंटू 3 कितना होगा 78, 26 इंटू 3 होता है 78, सो इंटू 30 हो जाएगा 780, 26 इंटू 2 होगा 52, 780 प्लस 52 आंसर हो जाएगा 832। ये क्योंकि मैं आपको रिपीट मतलब कह रहा हूं, बोल रहा हूं बार, इसीलिए टाइम लग रहा है, अगर मेंटली करना हो तो 2 सेकंड्स और सेव हो जाएंगे, और अगर मैं 2 सेकंड सेव कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप लोग भी कर सकेंगे, राइट। सो 26 इंटू 32, या फिर 26 को 25 प्लस 1 ले लेते, 25 प्लस 1 लेने से और भी इजी हो जाएगा, 32 इंटू 25 होगा 800, 32 इंटू 1 होगा 32, 800 प्लस 32 832, हाँ इंटू 25 800 क्यों होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। मैंने बताया आपको इंटू 25 इंटू 5 ये सारे स्पेशल केसेस है, राइट। मान ले आपको करना हो यू नो 53 इंटू 12 बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसे भी पेपर पर किया जाता है, 53 इंटू 10 530, 53 इंटू 2 106, 530 प्लस 106 636 हो जाएगा इसका आंसर, या फिर 12 इंटू 50, 12 इंटू 3, 12 इंटू 5 कितना होता है 60, 12 इंटू 5 अगर 60 है तो 12 इंटू 50 600 होगा, 600 आ गया, 12 इंटू 3 36 होगा, 36 600 प्लस, पहले तोड़े फिर जोड़े, जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपको आंसर आएगा। एंड ऐसा करने के लिए सिर्फ 3 ही स्टेप्स आपको करने हैं, क्या, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स लास्ट में थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस करनी, राइट, जितना ज्यादा करेंगे उतना इजी हो जाएगा। सो ये है स्प्लिट एंड मर्ज, स्प्लिट एंड मर्ज सिंपल, राइट। 3 डिजिट नंबर्स भी किए जा सकते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स पर एप्लीकेबल है, नहीं, 3 डिजिट नंबर्स भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया 3 डिजिट नंबर्स हम डिस्कस करेंगे स्पेशली कि कैसे यू नो उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 डिजिट आप केयरफुली कर सके देन 3 डिजिट भी कर सकेंगे, क्या होगा, 53 की जगह 153 आएगा, 153 का मतलब क्या, 12 को 100 टाइम्स एक्स्ट्रा लेना है, 12 को 100 टाइम्स एक्स्ट्रा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 153 अगर आप ले लें तो क्या होगा, 53 से तो हमने मल्टीप्लाई किया, हम जानते हैं कैसे 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस बार अगर आप देखिए 100 एक्स्ट्रा है, राइट, सो 12 को 100 से भी मल्टीप्लाई करना है, 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगा। अब क्या ये करना डिफिकल्ट है, 636 प्लस 1200 आंसर हो जाएगा 1836। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आप सिंपल चीजों को अच्छे से कर सके, क्विकली कर सके, देन यू नो लार्जर नंबर्स को भी उसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इजी कैलकुलेशंस भी नहीं कर पाते, एंड इसीलिए यू नो हायर वंस को करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है, तो बस ऐसे ही करते हैं। जैसे इस केस में भी आते हैं, मान लो यहां पर 326 दिया जाए, 326 दिया जाए, क्या करेंगे, 32 को 26 तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 32 को 300 से मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया, राइट, 326 को हम 300 प्लस 20 प्लस 6 ले सकते हैं, स्प्लिट करना है बस, राइट, जैसे हमने एडिशन में किया था, सो 32 इंटू 300, 32 इंटू 3 कितना होता है, 32 इंटू 3 होता है 96, 32 इंटू 3 96, अब इंटू 3 अगर 96 हो तो इंटू 300 9600 होगा, हो गया आपका आंसर यहां पर 9600 प्लस 832। अब ऐड आपको करना होगा, राइट, ऐड कैसे करेंगे, 832 ऐड ना करें, 800 ऐड करें, 9600 प्लस 800 10400 प्लस 32 10432 नहीं करना है, राइट। सो चाहे 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर, स्प्लिट नंबर जो एप्लीकेबल, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो सिंगल डिजिट नंबर के मल्टीप्लीकेशन में भी कई बार पेपर वर्क किया जाता है, शायद आप अग्री ना करें, अगर ऑनेस्टली देखें तो यस, हम में से कई लोग हैं जो सिंगल डिजिट नंबर्स को भी पेपर, जैसे मान ले यू नो 72 है, 72 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, कैसे करेंगे, 72 7 7 2 14 7, हाँ शायद आपने इंटू साइन नहीं वहां पर रिप्रेजेंट किए, आपने हाफ सेकंड सेव कर लिया, लेकिन नॉनसेंस तो कर ही रहे हैं, राइट, 7 इंटू 2 14 7 टू 7 49 प्लस 1 50 504, नहीं चाहिए ये सब,
मेंटली करें, 72 नहीं होता है, 72 को 70 प्लस 2 ले सकते हैं, तो 7 into 7 49 हो तो 7 into 7 490 होगा, 490, 7 into 2 14 490 plus 14, 504 है या नहीं? बिल्कुल है। तो क्यों पेपर पर करते हैं? क्योंकि एक हैबिट बन चुकी है और हैबिट से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, राइट? हैबिट्स डाई वेरी हार्ड, स्पेशली बैड हैबिट्स, ये सारे बैड हैबिट्स अगर आप देखें, ये सब बैड हैबिट्स है, राइट? सो ऐसे आप इस पर प्रैक्टिस करें, राइट? यहां पर हम अब अनलिमिटेड एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। अब शायद आप पूछेंगे कि 46 को तो 18 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसे ही करना है जैसे किया है, ऐसे ही करना है, राइट? हर नंबर में अलग स्प्लिट कर सकते हैं, अलग तरह से तोड़ सकते हैं एंड अलग तरह से जोड़ सकते हैं, राइट? सो जितने नंबर्स आप लेंगे उतने नंबर्स में आपको अलग अलग मेथड्स फॉलो करने होंगे, राइट? अलग अलग सेम स्प्लिट एंड मर्ज ही अलग तरह से करना होगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि a into b का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर नंबर को b टाइम्स कलेक्ट करना या नंबर b को a टाइम्स कलेक्ट करना। अब इस कलेक्शन के प्रोसेस को ही आपको इजीली समझना है। 23 टाइम्स लेने की जगह 20 टाइम्स ले ले एंड देन 3 टाइम्स ले ले, या फिर 16 टाइम्स लेने की जगह 10 टाइम्स ले ले, फिर 5 टाइम्स ले ले एंड देन फिर 1 मोर टाइम ले ले, राइट? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, राइट? मान ले हमें मल्टीप्लाई करना हो 64 into 29 अब लगभग टू डिजिट नंबर्स है, राइट? दोनों टू डिजिट नंबर्स हैं, थोड़े टिपिकल से हैं। 64 into 29 कैसे करेंगे? 64 into 29 को सिंपल है, 64 into 29 नहीं होता है, या तो 25 plus 4 ले या 30 minus 1 ले। अगर 25 plus 4 लेते हैं तो 1600 plus 256 हो जाएगा, राइट? और अगर 30 minus 1 लेते हैं सो 64 into 3 कितना होगा? 1920 minus 64 भी 1856 होगा। सो फाइनल आंसर क्या है इसका? 1856। अब शायद ये कई लोगों को समझ में ना आए क्योंकि मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, राइट? मैं सिर्फ ये बोल रहा था जो मैं सोच रहा था, राइट? जो मैं सोच रहा था वही मैं बोल रहा था बिना एक्सप्लेनेशन की, लेकिन डिटेल में अगर आप करेंगे तो आपको भी आ जाएगा, राइट? 29 is not 29, 30 minus 1, सो 64 into 30, 64 into 3 कितना होता है? 60 into 3 180, 4 into 3 12 180 plus 12 192। अब 64 into 3 अगर 192 हो तो 64 into 30 1920 होगा, माइनस 64 into 1 64 1920 minus 64 64 सबट्रैक्ट ना करें, पहले 60 सबट्रैक्ट करें, 1920 minus 60 1860 1860 minus 4 1856, या फिर 29 को आप 25 प्लस 4 ले सकते हैं। 25 प्लस 4 अगर लेंगे तो क्या होगा? 64 into 25 होगा 1600 एंड 64 into 4 होता है 256। सी कुछ कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं जो कि याद रह जाते हैं किसी तरह से, जैसे 64 into 4 अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, मुझे याद है कि 64 into 4 256 होता है। अब कैसे याद हो गया? क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ चीजें हैं जो यू नो कई बार यूज की जाएंगी, तो फ्रीक्वेंटली यूज करने पर आपको कुछ नंबर्स याद है। जैसे 7 to 8 56 हम सभी को याद है क्योंकि हमने अफकोर्स वहां तो रट्टा मारा है लेकिन अदरवाइज भी याद हो जाते हैं, राइट? तो 64 into 4 256 1600 plus 256 1856। अब इसे अगर 64 को स्प्लिट करें तो 60 plus 4 होगा या 50 plus 14 होगा, वो शायद डिफिकल्ट हो, एटलीस्ट मेरे लिए डिफिकल्ट है। अगर मुझसे आप पूछेंगे कि इसे आप कैसे करेंगे तो या तो मैं 30 minus 1 लूंगा या फिर 25 plus 4, क्योंकि मुझे जो कंफर्टेबल है मुझे वही फॉलो करना है, आपको जो कंफर्टेबल है आपको वो करना। अब 60 plus 4 लेना शायद नहीं, डिफिकल्ट भी नहीं है, इससे ज्यादा टाइम लगेगा। अगर ये हमने 2 सेकंड में किया है या फिर ये मैंने अगर 2 सेकंड या 3 सेकंड में किया है तो उसमें 4 सेकंड या 5 सेकंड लगेंगे, तो क्यों 2 सेकंड वेस्ट करें? आपको अगर कंफर्टेबल लगे तो बिल्कुल करें, राइट? यू आर ओपन टू फॉलो एनीथिंग। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 29 को स्प्लिट करना, आपकी मर्जी है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है, राइट? वही आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल होंगे तभी आप उसे क्विकली कंप्लीट कर सकेंगे। तो 60 29 into 60 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मेरे लिए कॉम्प्लेक्स है, शायद आप प्लीज लू 29 into 4 क्या होगा? 29 into 4, राइट? 160, लेकिन कौन करेगा, राइट? ये सर, या फिर 50 plus 14 ले सकते हैं, 29 into 50 plus 29 into 14, फिर भी देखें तो कॉम्प्लेक्स ही है, राइट? सो मैं नहीं करूंगा, आपको अगर करना है तो करें, बिल्कुल करें, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही चीज का ध्यान रखें, अगर पर्सन ए ने इसे 3 सेकंड में सॉल्व किया है तो पर्सन बी इसे 3.5 सेकंड में अगर सॉल्व करे तो उसे रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि ये एक रनिंग रेस है, कॉम्पिटिशन है, राइट? एंड रनिंग रेस में
बस यही देखते हैं कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा, ये नहीं देखा जाएगा कि कितने लोगों ने यू नो फिनिशिंग लाइन क्रॉस की है। फिनिशिंग लाइन सभी क्रॉस करेंगे राइट, अगर हाफ एन आवर दिया जाए तो हर क्वेश्चन हर कोई बंदा सॉल्व कर सकता है, लेकिन हाफ एन आवर है नहीं हमें, यानी अगर मान ले 15 सेकेंड दिए जाए तो हर कोई हर कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकेगा, लेकिन कौन सबसे जल्दी कर पाता है यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको ध्यान रखना है। एंड स्प्लिट, स्प्लिट करें, बस स्प्लिट कर कैसे करते हैं ये देखिए। कई बार ये होगा कि यू नो अभी तक आपने देखा होगा कि स्प्लिट हमने सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में किया, जैसे यहां पर हमने एडिशन लिए, यहां पर हमने एडिशन लिए, यहां पर हमने सब्ट्रैक्शन लिया, लेकिन कई बार यू नो डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन लेने से और भी ईजी हो सकता है। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है आपको, लेकिन जब हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहां पर मैंने बताया था 16 × 25 कितना होता है 400, यहां पर एडिशन नहीं लिए जा रहे, इसे हम मल्टीप्लीकेशन या डिविजन के फॉर्म में करें, जो कि हम आगे देखेंगे कैसे किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि स्प्लिट हमेशा यू नो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आपको नंबर को तोड़ना है, अब चाहे प्लस लेकर तोड़े या माइनस लेकर तोड़े या इंटू लेकर तोड़े या डिविजन लेकर तोड़े, ऐसे तोड़े इजी हो जाए राइट, जोड़ना इजी हो जाए, ओवरऑल आपको आंसर कैलकुलेट करना इजी हो जाए। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा इसी पर, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर आपको ब्रेक करना, मान ले क्वेश्चन में पूछा जाए कि 32 × 16 कितना होगा। अब ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन राइट, 16 × 30 16 × 2 किया जा सकता है राइट, या फिर 32 × 10 + 32 × 5 + 32 × 1 किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें 32 को हम 16 × 2 ले सकते हैं, 32, 16 × 2 लिया जा सकता है राइट, इंटू 16 हमें करना है, तो ओवरऑल देखा जाए 32 × 16 जो कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स लग रहा था उसे हमने 16 × 2 × 16 ले लिया। एडवांटेज क्या है, 16 × 16 हम पहले परफॉर्म करेंगे, एंड 16 × 16 हमें परफॉर्म नहीं करना है, 16 × 16 16 स्क्वायर्ड होता है, 16 स्क्वायर्ड की वैल्यू हम सभी याद करके जाएंगे एग्जाम में, 256 Yes or no? 256. आपको 1 to 30 squares याद रखने होंगे, 1 to 15 cubes याद रखने होंगे, so 16 square हो गया 256, 256 into 2, 256 into 2 कितना होगा 512, आपको पेपर पर नहीं लिखना ये steps, right? 512, ये हो गया इसका आंसर। अगर आप addition के form में split करते हैं तभी सेम आंसर आएगा, 16 into 30 होता है 480, 16 into 2 होगा 32, 480 plus 32 होगा 512, या फिर इसे 10 plus 5 plus 1 ले तभी सेम आंसर आएगा, 32 into 10 होगा 320, 32 into 5 या फिर डिविजन के फॉर्म में भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा हो कि इजिली किया जा सकता है। सो आइडिया है, आइडिया ये है कि आपको नंबर को प्रॉपरली स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। और कैसे आप डिसाइड करेंगे कि यही बेस्ट मेथड है स्प्लिट करने का, ये डिसाइड करने का टाइम नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली आना चाहिए, और ये कैसे ऑटोमेटिकली आएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस लिटिल मोर प्रैक्टिस।